हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिविडेंड पॉलिसीज की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड की थ्योरीज में दो थ्योरीज दी गई, एक इररिलेवेंट थ्योरीज, दूसरी रिलेवेंस थ्योरीज। अब ये दोनों थ्योरीज का मतलब क्या है या डिविडेंड की थ्योरीज दी क्यों गई? तो देखिए, हमने देखा था कि डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का पोर्शन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में। तो बात ये आती है कि क्या डिविडेंड का फर्म की वैल्यू के साथ, अगर हम कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, इन दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये थ्योरीज प्रपाउंड की गई। मतलब कुछ का कहना था कि हाँ, डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, मतलब फर्म से उसका रिलेशन है। और कुछ का कहना था कि डिविडेंड और फर्म का कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली ये थ्योरीज आपको हेल्प करती हैं, आपको इन द सेंस फाइनेंशियल मैनेजर को हेल्प करती हैं डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड को कब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये थ्योरीज थी जिनका बेस आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप रिलेवेंट मानते हैं या आप इररिलेवेंट मानते हैं, राइट? तो एक एक करके हम समझते हैं कि रिलेवेंट और इररिलेवेंट है क्या चीज़। तो इररिलेवेंट थ्योरीज किसने दी? सोलोमन अप्रोच आता है और MM अप्रोच, मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो दो अप्रोचेज ऐसे थे, दो थ्योरीज ऐसी है जो इररिलेवेंट थ्योरीज कही जाती हैं। इररिलेवेंट थ्योरीज मतलब इनका ये कहना था कि डिविडेंड जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका और आपकी फर्म की वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है। वहीं दूसरी थ्योरी है रिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी मतलब रिलेवेंट है। अब रिलेवेंट है कि क्या रिलेवेंट है? रिलेवेंट है आपका कि आपका डिविडेंड और आपके फर्म की वैल्यू दोनों एक के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये रिलेवेंट है। तो रिलेवेंट थ्योरीज इन्होंने दी एक वॉल्टर मॉडल और एक गॉर्डन मॉडल। तो बेसिकली देखा जाए तो तीन थ्योरीज जो डिविडेंड की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर, गॉर्डन और MM। ये तीन थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, राइट? अब एक एक करके हम इन थ्योरीज को समझते हैं, ठीक? सबसे पहले हम देखते हैं इररिलेवेंट थ्योरीज के बारे में। तो इररिलेवेंट थ्योरी या इररिलेवेंस थ्योरी क्या होती है? तो प्रोफेसर सोलोमन मोदीगल मिलर जो हैं उनका ये कहना था कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर प्राइस पे, कंपनी की जो शेयर प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब समझिएगा कि कंपनी के पास क्या है, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि अब उस प्रॉफिट को या तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को, या उस प्रॉफिट को वो एज अ रिटेन करके रख ले, मतलब अपने बिजनेस में ही रखे, रीइन्वेस्ट कर दे। बिजनेस में रखने का क्या मतलब होगा? उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर दे। तो दो ऑप्शन निकल के आए थे कि या डिस्ट्रीब्यूट करे और या रीइन्वेस्ट करे। तो सारी थ्योरीज इसी के बात में है कि आखिर उस प्रॉफिट के पोर्शन को करना क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। तो कहा क्या गया कि अगर आप कंपनी डिविडेंड की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आपके शेयर प्राइस, और फर्म की वैल्यू का क्या मतलब हो गया? फर्म की वैल्यू को आप शेयर प्राइसेस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी तो शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ जाते? अगर कंपनी डिसीजन लेती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो क्या शेयर प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं? तो ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो सोलोमन और मोदीगल मिलर थे उनका ये कहना था कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, उसका आपके शेयर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया, आपने डिक्लेयर किया तो आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाएंगी, आपने नहीं किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो शेयर प्राइस डिक्रीज कर जाएंगी। इनके हिसाब से इसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट? देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द डिविडेंड रेट एंड वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू और डिविडेंड का रेट कि आप क्या कितना परसेंट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो अब हम इस चीज़ को जो प्रूफ किया उन्होंने उसके हिसाब से कि उनके इस बात को कहने के लिए उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सोलोमन का क्या कहना था? सोलोमन ने ऐसा क्यों कहा? उनका कहना था कि इज़रा सोलोमन उनका पूरा नाम था, उन्होंने कहा कि डिविडेंड जो होती है वो फर्म के रेसिडुअल डिसीजंस में आती है, और ये कैसा है, एक पैसिव रेसिडुअल है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि उनका ये कहना था कि रेसिडुअल मतलब क्या होता है? बचा हुआ चीज़। तो आपने सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, सारे खर्चे कर दिए, सब कुछ पे ऑफ कर दिया, अब जो प्रॉफिट बचा तो वो क्या हुआ? रेसिडुअल पोर्शन हो गया, बचा हुआ चीज़ हो गया। अब अगर आप उससे डिविडेंड डिसाइड कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो रेसिडुअल पोर्शन का डिसीजन आप ले रहे हो, बचे हुए चीज़ का ले रहे हो। तो आप चाहे जो करो, अब कहते ना जो कुछ बच गया उसका आपको चाहे जो करना है आप कर लो, तो वो उतना रिलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने इसको क्या माना, उनको उन्होंने माना कि ये रेसिडुअल डिसीजन है, बचे हुए चीज़ का डिसीजन है, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है। और डिविडेंड एक्टिव रोल में नहीं है कि उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो हमेशा कैसा है, एक पैसिव रेसिडुअल है, बचा हुआ जो है भी वो एकदम पैसिव फॉर्म में है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है।
ठीक है, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो कैसा थिंक करते हैं कि रिटेन एंड री इन्वेस्ट अर्निंग रेदर देन गिविंग देम एज अ डिविडेंड। यहाँ पे इन्वेस्टर का मतलब होता है इनकी कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनीज होती हैं उन वो ज़्यादातर क्या सोचती हैं कि पैसे को रिटेन करो, मतलब रख लो, और उसको री इन्वेस्ट करो, ये फ़ायदा नहीं है कि उसका डिविडेंड बांट दो। तो इस वजह से डिविडेंड देना ना देने से उसे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पैसा जो बचा उसको री इन्वेस्ट करोगे तो नए डिसीजंस लोगे, नई जगह प्रोजेक्ट में पैसे लगेंगे, तो प्रॉफिट कमाओगे, तो प्रॉफिट कमाओगे तो आपके फर्म की शेयर की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जानी है। तो डिविडेंड आप उसको दो ना दो उससे क्या लेना देना, उनका सिंपल सा लॉजिक था कि अगर डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो कंपनियां मेन मोटिव यही होता है कि उस पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करो, उसको रख लो और रख के री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट करोगे, अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे डालोगे, उससे प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएंगी, राइट। तो देयर प्रिंसिपल डिजायर इज टू अर्न हायर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। तो उनका मतलब सोलोमन के हिसाब से ये जो आपका प्रॉफिट होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको वो री इन्वेस्ट करके उससे हायर रिटर्न कमाए, जिससे उनकी कैपिटल अप्रिशिएट करे, कैपिटल गेन हो। और जब ये सब होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसका डिविडेंड से तो कोई लेना देना रहा ही नहीं, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट सोलोमन अप्रोच। तो उन्होंने बिल्कुल भी इसको साइड कर दिया कि कोई मतलब नहीं है, आप इन्वेस्ट करो, उससे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड दे रहे हो नहीं दे रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसी चीज़ को और जो इस फिलॉसफी को और किसने प्रमोट किया, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने, MMM अप्रोच इसे कहा जाता है, MMM थियरीज कही जाती है। इनका क्या कहना था, तो MMM ने कहा कि अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इज इररिलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में या मार्केट कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप मार्केट की जो कंडीशन है वो कैसी मानिए, परफेक्ट कंपटीशन के मानिए, तो परफेक्ट मार्केट कंडीशन आप मानिए, मतलब रेशनल इन्वेस्टर्स हों, सब कुछ देख के सोच समझ के खर्चे करने वाले लोग हों, तो इस हिसाब से अगर परफेक्ट मार्केट कंडीशन है आपके यहाँ की, तो उस केस में आपकी डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें, उससे फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपके फर्म की वैल्यू को कहीं भी अफेक्ट नहीं करने वाली है। सो बेसिकली इनका क्या रहा है कि नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, डिविडेंड का आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिविडेंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मार्केट की शेयर प्राइसेस आपकी कंपनी की बढ़ जाने वाली हैं, आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हो इस बार तो शेयर प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिविडेंड का इस पर कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं है। ऐसा किसने कहा, MMM थ्योरी ने कहा। देखिए MMM थ्योरी एक्चुअली आर्बिट्रेज थ्योरी पे बिलोंग करती है, अब हर चीज़ हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो बेसिकली आप इसको समझिएगा। MMM थ्योरी और सोलोमन थ्योरी में एक चीज़ का डिफरेंस है, सोलोमन ने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो क्या MMM ने जो आर्ग्यूमेंट दिया उनका क्या आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने कहा आर्बिट्रेजर है यहाँ पे। आर्बिट्रेजर मतलब जैसे आप एक समझिए, एक थ्रेड है, अगर एक थ्रेड को एक साइड कोई खींच रहा है और दूसरी साइड अपोजिट में भी कोई खींच रहा है, अब जब दोनों साइड से उस थ्रेड को खींचा जाएगा तो वो तो हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट रह जाएगा, बीच में ही रह जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। यही आर्बिट्रेज, मतलब ये प्रोसेस ही आर्बिट्रेज कहलाता है। तो अब यहाँ पे कैसे आर्बिट्रेज हो रहा है, या मोदी गिलान ने आर्बिट्रेज को कैसे रिलेट किया, देखिए उन्होंने क्या कहा कि सिंपल सी बात है कि फर्म की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ करती है, शेयर प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ कब करेंगे, जब आपके फर्म की गुडविल अच्छी होती है, आपका फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है, फर्म की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इस तरह से आपकी फर्म होती है तो उसकी मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, राइट। अब डिविडेंड का इससे क्या लेना देना, ठीक। उन्होंने कहा अब सिंपल से आप समझिए, सपोज करिए कि आपको कंपनी में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट आपने क्या किया, उस प्रॉफिट को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने कंपनी के सारे प्रॉफिट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब सारा प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिविडेंड में चला गया, अब आपको नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल फंड चाहिए होगा, आप क्या करोगे, नए शेयर इशू करोगे। जब आप नए शेयर इशू करोगे मार्केट में तो लोग परचेज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी और जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर तो फिर से कम आ जाएगा, EPS कम आ जाएगी, तो फ़ायदा कहाँ हुआ, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अब उसी के बेसिस पे आपकी मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं कि एक कंपनी कितना शेयर, एक कंपनी की अर्निंग कितनी है,
देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल है ये चीज़ें, अर्निंग पर शेयर अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कैसे वो निकलता है, वो आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं जिनको डिविडेंड, जिनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितना कमाया है, ठीक है। तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, नंबर ऑफ शेयर्स से। तो वही इन्होंने कहा। अब देखिए दूसरी चीज़, अब ये अर्निंग पर शेयर निकलती है उसी से आपकी मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है भाई। जो जिस कंपनी की एक शेयर की अर्निंग ज़्यादा होगी उस कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइस भी ज़्यादा जाएगी भाई। पता है कि ये शेयर बहुत कमा रही है तो उसकी शेयर प्राइस भी हाई हो जाएगी। तो मतलब EPS इफेक्ट करता है, EPS ज़्यादा है तो शेयर प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी होंगी। अब इन्होंने क्या कहा कि तुमने अगर प्रॉफिट कमाया और सारा का सारा प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपको क्या करना है, नए प्रोजेक्ट के लिए आपको फिर से पैसे चाहिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, नया शेयर इशू करेंगे। जब आपने नया शेयर इशू किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ गए तो प्रॉफिट डिवाइड बाई जब आप नंबर ऑफ़ शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली EPS तो वही आके गिर जाएगी आपकी। जितना आपने नया शेयर इशू करके प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट अगर बढ़ी तो नंबर ऑफ़ शेयर भी बढ़ गए, तो अर्निंग पर शेयर वापस से वहीं आ गई, कॉन्स्टेंट हो गई, राइट। अब अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, उसी पैसे से आप री इन्वेस्ट करेंगे। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और उसी पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आप कंपनी री इन्वेस्ट करेंगे तो नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, जब नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब प्रॉफिट कमाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर क्या होंगे, कम हुए, और नंबर ऑफ़ शेयर कम हुए तो क्या हुआ, आपका EPS बढ़ गई तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो नहीं करो उससे थोड़ी ना मैटर है, आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कहाँ से पैसा प्रॉफिट कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मोदी गले मेरा का अप्रोच था। तो यही हुआ आर्बिट्रेज, आपने अगर शेयर को आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर शेयर इशू किया तो वही EPS आएगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसी पैसे से इन्वेस्ट किया तो वही चीज़ें गई EPS आई। तो अल्टीमेटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ी ना मैटर कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है वो मैटर करती है। इसीलिए मोदी गिलर को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज पॉलिसी कहते हैं। उनका कहना है कि दोनों साइड से खींचोगे तो बात तो बराबर ही रहने वाली है, इसीलिए आप फोकस एक चीज़ पे करो, डिविडेंड पे नहीं, फोकस करो प्रोजेक्ट पे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो जो ज़्यादा कैपिटल गेन दे। अगर कैपिटल गेन ज़्यादा देगी प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे और नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी EPS बढ़ जाएगी और शेयर प्राइस इंक्रीज करेगी, राइट। तो मोदी के मिलर अप्रोच में उन्होंने एक बात और क्या कही कि देखिए, इफ द फर्म्स कैश डिविडेंड इज टू बिग, कैश डिविडेंड का मतलब आपका प्रॉफिट आया, आप प्रॉफिट के पोर्शन को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कैश डिविडेंड में आ गया। तो अगर फर्म का कैश डिविडेंड बहुत ज्यादा है तो यू कैन जस्ट टेक ए एक्सेस कैश रिसीव्ड एंड यूज इट टू बाय मोर ऑफ द फर्म्स स्टॉक। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप कंपनी छोड़ दो, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो और कंपनी के पास कैश डिविडेंड बहुत ज्यादा है तो वो क्या कर सकती है, एक्सेस कैश से और ज्यादा फर्म के स्टॉक खरीद ले, और ज्यादा शेयर्स खरीद ले। उससे क्या होगा, ज़्यादा शेयर खरीदने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगी। इफ़ द कैश डिविडेंड इज़ टू स्मॉल, अगर डिविडेंड का प्राइस बहुत कम है तो यू कैन जस्ट सेल अ लिटिल बिट ऑफ योर स्टॉक। तो आप क्या करो कि थोड़ा सा अपना जो शेयर्स है उसको सेल कर दो, कम डिविडेंड आया है कैश में तो अपने शेयर्स को थोड़ा सेल कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा और कैश फ्लो वही आ जाएगी जो तुमको चाहिए है। तो इन्होंने एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि अगर आपको कैश ज़्यादा चाहिए है और कैश डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो आप उसको स्टॉक सेल करके भी पा सकते हो, और कैश ज़्यादा मिल रहा है तो उससे एक्सेस शेयर खरीद लो। तो बात वही आपकी आ जानी है, राइट। दैट इज़ MM अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन सबके न्यूमेरिकल्स होते हैं, सबके फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट सबका यही होता है। तो इनके assumptions क्या क्या थे, इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने के पीछे उन्होंने क्या क्या मान लिया था। तो उनका मानना था कि मार्केट कैसा होगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होने वाला है, राइट। मतलब इन्वेस्टर कैसे होंगे, बिल्कुल रेशनल इन्वेस्टर होंगे, हर चीज़ सोच समझ के करेंगे, एक्सेस चीज़ों पे नहीं जाएंगे। देर आर नो टैक्स, नो टैक्स इन द सेंस अल्टरनेटिवली आप ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल गेन पे या शेयर्स जो इनकम हो रही है उन पे टैक्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, राइट। तो उनके हिसाब से टैक्स बिल्कुल नॉर्मल है, टैक्स है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, या अगर अप्रिसिएशन तो गेन और नॉर्मल इनकम पे टैक्स देख रहे हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से उनकी एजम्पशंस थी। उनका मानना था कि फर्म हैज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब आपको पता है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिल्कुल फिक्स्ड है, आपको पता है कि उससे कितना पैसा आने वाला है। नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी चीज़ें अनसर्टन नहीं है। रिस्क ले क्या रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने प्रोजेक्ट को डाल दिया, तो आप सोच समझ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिस्क की बात ही नहीं हुई। तो ये कोई रिस्क नहीं है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें ना करें, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रॉफिट नहीं यूज़ कर पाएंगे,
तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं है। तो ये इनके एजम्पशंस थे। अब हम बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड की। तो इररिलेवेंट था कि डिविडेंड का होना ना होना, डिविडेंड पे करना, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब रिलेवेंस थ्योरी को किसने दिया? रिलेवेंस थ्योरी को प्रपाउंड करने वाले वॉल्टर और गॉर्डन थे। इसको इन दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। वॉल्टर बहुत ही फेमस है इन दोनों की थ्योरीज। तो रिलेवेंस का क्या मतलब हुआ? रिलेवेंट है मतलब डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट करना और फर्म की वैल्यू पे दोनों के बीच में रिलेशन है और दोनों बहुत एक दूसरे को इफेक्ट करने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिविडेंड पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट? इन्होंने क्या कहा हम कि शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं करंट डिविडेंड को, और इसकी वजह से उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है फर्म की वैल्यू और डिविडेंड पॉलिसी पे। जो इनका मानना था कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अगर उस शेयर्स पर डिविडेंड मिलने वाला होता है ना, तो उसके मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, राइट? तो फर्म की वैल्यू पे है, और वैल्यू ऑफ द फर्म को आप इसी तरीके से डिनोट करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म को जैसे कि आप मार्केट में उसकी शेयर प्राइस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? आप उस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, मैं फाइनेंशियल मैनेजर का, वहाँ पे हमने देखा कि वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करती है जब एनपीवी बढ़ती है। और एनपीवी बढ़ने का क्या मतलब होता है कि ऐसे फर्म में इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना जिससे पॉजिटिव एनपीवी आए, और पॉजिटिव एनपीवी मतलब फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है? जब फर्म की मार्केट की शेयर्स जो फर्म की शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि फर्म की वैल्यू किससे रिलेट करती है? शेयर प्राइस से, मार्केट की शेयर प्राइस से, राइट? तो इनका कहना है कि उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय द टू इमिनेंट पर्सन, दैट इज वॉल्टर एंड गॉर्डन। अब हम एक ही करके देखते हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा? प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर आर्ग्यूज दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट? उनका है कि हमेशा इफेक्ट करती है। अब वॉल्टर मॉडल उस क्या बेस है, उनकी रिलेशनशिप किसके बीच में है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बीच में उनकी रिलेशनशिप है। दो चीज़ है, क्या क्या? आपका एक रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब आप क्या कमा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए उससे क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? आपने देखा है कि जिस जो कैपिटल आपने पाया हो, जिससे आपने इन्वेस्टमेंट की तो फिर रिटर्न आया, दैट इज़ आई, पर वो कैपिटल के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता होगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने दो चीज़ में कहा कि कैपिटल, जो कैपिटल आपने पाई है उसकी कॉस्टिंग, और उस कैपिटल को जहाँ इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आ रहा है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्होंने आपकी डिविडेंड पॉलिसी और फर्म की वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट किया है। कैसे एग्जिस्ट किया है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपने बिजनेस किया, आपका प्रोजेक्ट हुआ, और अब आपका जो रिटर्न आया, आपको प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आपको कमाया, वो मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने जो कैपिटल पाई थी अपने बिजनेस में, उसकी कॉस्टिंग थी 15% की, ठीक है? मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना भी कैपिटल का पोर्शन आपने पाया था, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 15% की पड़ी। और आपने उस कैपिटल को जहाँ इन्वेस्ट किया, जिस प्रोजेक्ट में, वहाँ से जो रिटर्न आया वो 20% का आया। तो अब इस केस में ये आ गया, रिटर्न आपकी ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। आप प्रोजेक्ट से कमाए हो 20% और आपकी कॉस्टिंग आई है 15%, तो 5% से आपने एक्सेस कम ग्रो किया है। तो इस तरह को इन्होंने ये कहते हैं ग्रोथ फर्म। इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ फर्म, क्योंकि फर्म ग्रो कर रही है। तो एंड हैव अ जीरो पे आउट रेशियो। तो अगर आपकी फर्म ग्रो कर रही है तो आपको कैसा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए? जीरो पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब क्या होता है? जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ठीक है, उसको पे आउट रेशियो कहते हैं। तो या मतलब डिविडेंड प्रॉफिट डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, इस तरह से इसका पे आउट रेशियो निकलता है। तो ये आपका पे आउट रेशियो, तो नहीं जीरो पे आउट रखो, मतलब आप इस बार डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो क्या? नहीं। कब नहीं करोगे? जब आप ज़्यादा कमा रहे हो अपनी कॉस्टिंग से। क्यों? तो फर्म शुड रिटेन द अर्निंग बिकॉज इट पॉजेज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कैन गेन मोर देन श्योर दैट दे कैन बाई री इन्वेस्टिंग। क्या कहने का मतलब हुआ? इनका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है, आप 15% कॉस्ट थी और आप 20% कमा रहे हो, इसका मतलब आप जिस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको तुरंत री इन्वेस्ट कर दो उसी प्रोजेक्ट में, या किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी आपका है उस प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट करो, क्योंकि
आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हो, तो आप ज़्यादा कैपिटल गेन कमा सकते हो किसके कंपैरिजन में, आपके शेयर होल्डर्स के। अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर को दे दिया तो शेयर होल्डर्स को जहाँ इन्वेस्ट करेंगे और वो जो कमाएंगे उससे ज़्यादा आप कमा ले रहे हो। तो इस केस में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, आप जो भी प्रॉफिट पाए उसको रिटेन करके रख लो और रीइन्वेस्ट कर दो प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपकी अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या कहा, अगर आपकी सिचुएशन कैसी है, आर इज़ लेस देन के, अब यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है और रिटर्न आप कमा रहे हो 15%, या हम ऐसे कह देते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% थी पर प्रोजेक्ट से जो आप पैसे कमाए रिटर्न जो आपको आया वो 10% का आया, तो अब इस केस में क्या हो गया, रिटर्न आपकी 10% की और कॉस्टिंग आपकी 15% की, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। अब क्या करो, अब जो कुछ भी कमाया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 100% पे आउट रेशियो। क्यों ऐसा, क्योंकि इन्होंने कहा कि फर्म शुड पे ऑल इट्स अर्निंग टू द शेयर होल्डर्स, अपनी सारी कमाई आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास आपसे बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आपके शेयर होल्डर्स ग्रो करेंगे, आप ग्रो करोगे, ये उनका कॉन्सेप्ट रहा, तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप मत रिटेन करके रखो, क्योंकि आप जिस भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। अब तीसरा सिनेरियो आया कि दोनों इक्वल है, 15% की कॉस्टिंग थी और 15% ही आपने कमाया है, तो इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इनडिफरेंट है वेदर अर्निंग्स आर रिटेन्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, आप अर्निंग को रिटेन करना चाहो या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जो कमा रहे हो उतना ही आपका कॉस्टिंग भी है, तो वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूट करना या ना करना आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, वो आप फर्म की वैल्यू इफेक्ट नहीं आने वाली आपके डिविडेंड डिसीजन से, डिस्ट्रीब्यूट करो ना करो वो इंपैक्ट आप पे नहीं डालेगी। ठीक है, ये इनका थर्ड सिनेरियो हो गया, ये वॉल्टर मॉडल का हो गया, राइट। तो इनके हिसाब से कब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इन्होंने अपना बता दिया वॉल्टर ने, क्योंकि उनके हिसाब से इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इनके एजम्पशंस क्या क्या थी, इनके एजम्पशंस थी द फर्म यूज ओनली इंटरनल फाइनेंसिस, का मतलब इनका कहना था कि फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है ना वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है, वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग है, इंटरनल सोर्स है, वो फर्म री इन्वेस्ट अगर करेगी तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग होगी, वो डेप्ट वगैरह से री इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा पैसे को रख लो क्योंकि तब आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, अरे भाई उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और हम लोन लेके भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो इनका क्या कहना है, नहीं, क्योंकि रिटेन अर्निंग की भी कॉस्टिंग पड़ती है और डेप्ट की भी कॉस्टिंग पड़ती है, कॉस्ट दोनों की लगती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दोनों आते हैं, तो आप रिटेन को ही क्यों करो, आप डेप्ट से कर दो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा हो सकता था। लेकिन वॉल्टर का मानना क्या था, वॉल्टर का मानना था डेप्ट जैसा कोई चीज़ है ही नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप जो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किससे कर सकते हो, रिटेन अर्निंग से ही कर सकते हो, तो इसीलिए इंटरनल फाइनेंस ही हो गया। फर्म डज नॉट यूज डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी और डेप्ट में वो करेगा ही नहीं, नए शेयर भी इशू नहीं कर सकता और डेप्ट भी नहीं, जो बचा प्रॉफिट है उसी से री इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा उनका एजम्पशन था। इसके बाद उनका क्या कहना था कि आपके जो रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट क्यों माना, इन्होंने कहा 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और दूसरी साइड इन्होंने कहा कि रिटर्न मान लो रिटर्न आपकी 20% है, तो क्या ज़रूरी है कि हर बार उस प्रोजेक्ट से 20% का आए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मार्केट सिनेरियो बदल चुका रहे और उस सेम प्रोजेक्ट से आपकी अर्निंग कम हो जाए, तो ये चीज़ उन्होंने एडमायर ही नहीं की, उनके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो ग्रोथ रेट है, जो आपकी रिटर्न का रेट है दैट इज़ 20%, वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, आप जब भी इन्वेस्ट करोगे आपको 20% ही रिटर्न मिलने वाला है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 15% तो हमेशा 15% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी, ये इनका एक एजम्पशंस था। और दूसरी चीज़ है कि फर्म हैज़ कॉन्स्टेंट EPS एंड DPS, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ाने वाले नहीं, इक्विटी है ही नहीं है, मतलब ये इक्विटी से फाइनेंस करेंगे नहीं, तो जब इक्विटी बढ़ेगी नहीं तो नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ेंगे नहीं तो EPS वगैरह में चेंज आएगा क्यों, तो हमेशा उनके हिसाब से EPS और DPS हमेशा क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। द फर्म हैज़ अ परपेक्चुअल लाइफ, मतलब लॉन्ग लाइफ, मतलब कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कंपनी करेगी, कमाएगी, उसका अभी लिक्विडेट होने का सिनेरियो नहीं है। तो ये थी आपकी वॉल्टर की एजम्पशंस। अब बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की, गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा, उनका नाम था मायरन गॉर्डन, सजेस्ट वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल विच एज्यूम्स दैट डिविडेंड पॉलिसी हैव अ फर्म्स अफेक्ट्स इट्स वैल्यू, इनके हिसाब से भी डिविडेंड पॉलिसी का फर्म की वैल्यू पे इफेक्शन है। अब उन्होंने कहा, उन्होंने क्या यूज़ किया, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच को यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि डिविडेंड पॉलिसी, जो फर्म की डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करती है, कैसे, इन्होंने इसके लिए आर्ग्यू दिया बर्ड इन हैंड थ्योरी का, उन्होंने बर्ड इन हैंड थ्योरी से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की, कैसे समझाने की कोशिश की, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो आपको जो वो करंट पे फोकस करते हैं,
वो फ्यूचर पे फोकस नहीं करते हैं, करंट सर्टेन है क्योंकि अभी जो है वो सर्टेन है, पता है कि ये होगा। और जो फ्यूचर है वो कैसे होती है, अनसर्टेन हो जाती है क्योंकि पता है कि हो चाहे ना हो, मे और मे नॉट भी का सिनेरियो आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अगर करंट में कहीं डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो उनको पता है कि अगर अभी लिया तो ये डिविडेंड तो मुझे मिलेगा मिलेगा पक्का है, तो वो उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कन्फर्म है, सर्टेन है। लेकिन अगर कोई कहता है कि अभी हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे पर हम फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो वो उस शेयर को, उस शेयर्स की प्राइसेस को डिस्काउंट करके लेते हैं, उसको कम प्राइस पे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता फ्यूचर में वो डिक्लेयर करें ना करें, वो तो अनसर्टेन है। तो इन्होंने बर्डन हैंड थ्योरी, मतलब इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू इस अप्रोच को पावर में लाया या इस अप्रोच को सपोर्ट किया कि भाई सर्टेन चीज़ों के लिए प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्योंकि पता है ये मिलेगा, तो लोग उसके लिए पे करने को रेडी हैं, इन्वेस्टर्स पे करने को रेडी ही होते हैं। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, राइट? क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे कि भाई डिविडेंड मिलने वाला है और वो सर्टेन होते हैं और उसकी प्राइसेस ज़्यादा पे दे देंगे तो वो प्रीमियम पे मिल जाएगा आपको, तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई। लेकिन अगर आपने पोस्टपोन कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और फ्यूचर में करेंगे ऐसा बोल दिया, तो उसको इन्वेस्टर्स सोचते हैं अनसर्टेन है, मे नॉट बी का सिनेरियो आ गया, तो उसकी शेयर प्राइसेस को वो डिक्रीज़ कर देते, उसको डिस्काउंट पे ले लेते हैं, राइट? तो इन्होंने कहा यही चीज़ यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक ऐसे स्टॉक डिविडेंड को जो पोटेंशियल कैपिटल गेन दे रहा हो, पोटेंशियल कैपिटल गेन मतलब जिसका सर्टेन हो, आज डिक्लेयर किया अभी मिल जाएगा, कंफर्म है। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द कैपिटल गेन, इसलिए क्यों, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और आप उसको बेस बना के सोचो कि फ्यूचर में देंगे तो अभी आप शेयर प्राइसेस बढ़ा लो, ऐसा नहीं होगा। अब वो आज को प्रेफर कर देंगे, आज पोटेंशियल कैपिटल गेन जो है जो मिलने वाला है उसकी शेयर प्राइस बढ़ा देंगे और फ्यूचर में जो है उसको डिस्काउंट करा देंगे। यही गॉर्डन का पूरा एजम्पशन था। तो उनका यही मानना था कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि उससे शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो सर्टेन है मिलेगा मिलेगा डिविडेंड, इसलिए इन्वेस्टर्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे और फ्यूचर्स को वो नहीं देखते हैं। तो इन्वेस्टर आर रेडी पे मोर प्राइस फॉर शेयर दैट प्रोवाइड रेगुलर डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो करंट में दे रहा है, जो रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, उसकी प्राइसेस को वो ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस बढ़ गई तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट प्राइस से, फर्म की वैल्यू से डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ऐसा गॉर्डन का जो सजेशन था वो फ्रूटफुल हो गया, मतलब उस पर पूरी तरीके से उन्होंने इफेक्ट कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट? अब इनके एजम्पशंस क्या क्या थे, तो फर्म हैज़ ऑल इक्विटी फर्म, उनका मानना था कि फर्म में कोई डेब्ट है ही नहीं, सबके सब इक्विटी फर्म है, फर्म में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ कैपिटल रही है, दैट इज़ इक्विटी। फर्म हैज़ नो एक्सटर्नल फाइनेंस, एक्सटर्नल फाइनेंस है ही नहीं है, डेब्ट वगैरह है ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न आर कॉन्स्टेंट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न हमने पहले डिस्कस कर दिया, दोनों ही कॉन्स्टेंट रहेंगी। फर्म हैज़ परपेक्चुअल लाइफ, हमने पहले ही बात कर ली इसकी। देयर आर नो टैक्सेस, लाइक जैसे वॉल्टर का था वैसे ही गॉर्डन का है, सेम चीज़ें। इन्होंने कहा कॉन्स्टेंट रिलेशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो कॉन्स्टेंट रिटेंशन रेशियो, ये जो जी है ना वो ग्रोथ को डिनोट करता है। तो ग्रोथ क्या कह रहे हैं कि ये इनका जो रिटेंशन रेशियो है ना, और उसके बेसिस पे जो ग्रोथ होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगी। 5% की ग्रोथ है तो हर बार आपको 5% की ही ग्रोथ मिलेगी, तो रिटेंशन रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। और इनका क्या कहना है कि ये एक ऐसा सिनेरियो रहेगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी, मतलब अगर आप हर साल जो ग्रो कर रही है आपकी कंपनी वो 5% से करती है, मतलब इस साल अगर 15% कमाया तो नेक्स्ट ईयर 20% हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 25% हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 30% हो जाएगा, मतलब 5% से वो ग्रो कर रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट होगा, मतलब 5% का जो ग्रोथ रेट होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ज़्यादा होगी किससे, ग्रोथ रेट से। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, बट ऑब्वियसली चीज़ है, आपने ग्रोथ रेट को कांस्टेंट कर दिया है। तो ये चीज़ इनकी वॉल्टर मॉडल हो गई। तो ये सारी थ्योरीज़ दी गई डिविडेंड पॉलिसीज़ को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। इस थ्योरीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट आया नहीं आया, इसके लिए पूरा फॉर्मूला और पूरा न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किया जाता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।